अभिनेता आर्यन खान के फिल्म निर्माण में प्रवेश की घोषणा के बाद से ही काफी चर्चा हो रही है। प्रशंसक उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म स्टारडम के अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खैर, एक सूत्र ने बॉलीवुड हंगामा को पुष्टि की है कि परियोजना आखिरकार एक बड़ा कदम आगे बढ़ रही है। सूत्र ने खुलासा किया, आर्यन खान इस शुक्रवार यानी 19 अप्रैल को मोना सिंह के साथ स्टारडम के गोवा शेड्यूल की शूटिंग शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि विशिष्ट स्थानों का खुलासा नहीं किया गया है। सूत्र ने संकेत दिया, फिल्मांकन कार्यक्रम एक सुरम्य पृष्ठभूमि को कवर करेगा जिसमें दक्षिण गोवा के 9 आश्चर्यजनक समुद्र तट शामिल होंगे। सूत्र ने ये कहकर निष्कर्ष निकाला, फिल्मांकन के अंतिम कुछ दिनों के लिए बॉबी देओल के भी शूटिंग में शामिल होने की उम्मीद है। इतना कहने के बाद यहाँ ये बताना जरूरी है कि स्टारडम रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन के तहत बनाई जा रही है। ये 6 एपिसोड की वेब सीरीज होगी। इसके अलावा आर्यन खान ने हाल ही में अपने ब्रांड डी YAVOL के लिए एक विज्ञापन फिल्म शूट की है जहां उन्हें अपने पिता शाहरुख खान को निर्देशित करने का मौका मिला। इस बीच बॉलीवुड हंगामा लगातार शाहरुख और उनके बच्चों के पेशेवर मोर्चे के बारे में अपडेट साझा कर रहा है। पाठकों को याद होगा कि आज पहले हमने खबर दी थी कि शाहरुख रुपये का निवेश करेंगे। सुहाना खान की बड़े पर्दे पर पहली फिल्म किंग में 200 करोड़। सुजोय घोष द्वारा निर्देशित आगामी फिल्म फिलहाल प्री प्रोडक्शन चरण में है। एक प्रतिष्ठित सूत्र ने हमें बताया, किंग किसी की कल्पना के विपरीत एक महत्वाकांक्षी एक्शन फिल्म है। टीम पिछले साल से प्री प्रोडक्शन पर काम कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्क्रिप्ट से लेकर स्केल और एक्शन तक सभी पहलुओं को सही तरीके से कवर किया गया है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने हमेशा विश्व स्तरीय उत्पाद पेश किए हैं और किंग भी इससे अलग नहीं होगा, क्योंकि बैनर सुहाना खान के लिए एक शानदार शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। दोस्तों, अधिक अपडेट के लिए हिंदी न्यूज से जुड़े रहें।